A very very good afternoon to everybody. I hope आप मेरे को देख पा रहे हो, सबके सब सुन पा रहे हो. So अगर I am perfectly audible to each one of you, so you guys can tell me here. जल्दी से बता दो, ma'am is live or not, guys? You all are able to see, ma'am? So आज जो हम topic करने वाले हैं, that's about doubt session from fiber to fabric with NCERT questions. So हम थोड़े से NCERT questions भी discuss करने वाले हैं आज और बहुत सारी मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं. तो what you have to do, guys? Like करो, share करो video को, because ma'am को थोड़ा सा time नहीं मिल पाया share करने का, because ma'am was taking special class, plus class, sorry, not special actually. प्लस क्लास थी मैम की और मैम भाग भाग के यहाँ पे आई है. वो मैम ही जानती है कैसे एकदम यू नो इधर से उधर किया है मैम ने इतनी फास्ट फास्ट. सो यस गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो. हाय गोयल, यस सीमा, आई डू रिमेम्बर यू. हाय अर्चिता, हाय माफिया, हेलो. हाय बच्चा, डू रिमेम्बर यू. सो दिस विल बी अ वेरी वेरी शॉर्ट सेशन. आपको जो भी फाइबर टू फैब्रिक में डाउट है आप मेरे से पूछ लेना. मैं एक्सप्लेन भी करती चलूंगी थोड़े थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े थोड़े से टर्म्स. सो डोंट वरी, कॉल योर फ्रेंड्स हियर. हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बुला लो गाइज. वेलकम टू द क्लास ईच वन ऑफ यू. आई एम योर एजुकेटर प्राची सिंह एंड आई एम योर साइंस मेंटर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म गाइज. एंड ऑल्सो आई एम योर प्लस वेरीफाइड एजुकेटर. तो अगर चाहते हो मेरे से प्लस क्लासेस पढ़ना तो एक लव के बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 3 पीएम पे उस पे मेरी क्लासेस एवरी एमडब्ल्यूएफ होती है. ऑलराइट गाइस, वी विल सी बेटा. मेंटी तो नहीं, आज एनटीआरसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे. लाइक जल्दी से करते चलो, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है. तो अगर आप चाहते हो कि भाई जितने अपडेट्स हैं विद इन अ टिप ऑफ योर फिंगर्स आ जाएं आपके पास और बिल्कुल डिले ना हो, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है? विदाउट एनी डिले. ऑलराइट गाइस, एंड इफ यू फाइंड एनी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट एंड यू जस्ट वांट टू टेल दिस टू अन एकेडमी कि भाई ये कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, तो जल्दी से जाओ उसे रिपोर्ट करो और अपने प्राइस को क्लेम कर लो. रिपोर्ट करने के लिए आपको फॉर्म का लिंक यूज करना पड़ेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, ठीक है जी? ऑलराइट, हाय बच्चा वारी, हेलो हेलो हेलो. सो ज्वाइन कर लो यार जल्दी जल्दी से. अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुला लिया कि नहीं बुला लिया? हैव यू कॉल योर फ्रेंड्स आदि एंड वर्षित? मतलब यार कुछ तो मतलब थोड़ा सा कहते नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है, जिनको बिल्कुल नहीं मतलब, उन्हें एक 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 मिनट भी नहीं पढ़ना है, उन्हें बस मेंटी करनी है, बस मेंटी करनी है, मेंटी. ये बताओ आपको एग्जाम में मेंटी आती है क्या? मेरे को बताओ मेंटी आती है क्या एग्जाम में? एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कभी कभार क्वेश्चंस भी पढ़ लिया करो मैम. मेंटी तो हमेशा कराती है बच्चे, क्वेश्चंस तो कभी कभी मैम कराएंगी, तो क्वेश्चंस कर लो, मेंटी होगी पक्का, ठीक है? पहले क्वेश्चंस तो करो. All right, guys. Plus classes के क्या benefits हैं? ये तो आप सबको already पता है, but if somebody is new here and तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी बेटा, वहाँ पे आपको amazing interaction मिलता है classes में, अपनी comfort zone में रहकर unlimited access होगा सारे course structure में. Top educators आपको एक ही platform पे मिलेंगे, daily doubt sessions होंगे, सारे के सारे syllabus आपका cover up होगा with mentorship and guidance, full on study materials मिलेंगे आपको. तो करना क्या है, use my code Praj and take the subscription, जिससे आपको 10% का discount मिल जाए. All right? Ma'am, when ma'am will ask question, I will answer. Okay, sheesh, okay. Hi, Shorya, hi, Shambhavi. Welcome, bachan. Welcome, Arpit. Welcome, everybody. Guys, इतने सारे बच्चे आ गए. Like तो देख नहीं रहे, मतलब क्या है? Like, like, रोक के रखा है क्या? कि अरे ma'am, like, like नहीं करेंगे. हाँ? So give it a thumbs up, give it a shot, जल्दी से. Hi everybody, hi Arohi. So use my code and take the subscription, you will get 10% का discount, ठीक है? Talking about iconic one, तो आपको पता है यहाँ पे आपको personal mentor मिलता है with live doubt solving session. Weekly reports आपको दी जाएगी according to your performance, whatever you will perform in quizzes, in classes or everything in test वगैरह, तो सबकी आपको एक report दी जाती है per week. उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं टू नो योर अपडेट्स अबाउट योर यू नो परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी दी जाएगी, एक एक्यूरेट प्लानिंग होती है कि ऐसे आपको पढ़ना है ना,
और उसके साथ साथ आपको प्लस के बेनिफिट भी यहाँ पर दिए जाएंगे. सो प्राइसेस आर लिटिल हायर बट ऑफ कोर्स इट इज आल्सो लाइक पॉकेट फ्रेंडली. तो आप मेरा कोड यूज करो एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ग्रैब कर लो, ठीक है? ऑलराइट. हाय नरेश, हाय रोही. नरेश है मंत्राना. सो देखो मंत्राना मैम ने आपका नाम याद कर लिया, ठीक है? मंत्राना मैम ने आपका नाम याद कर लिया है, अब मैम आपका नाम नहीं भूलेंगी. ऑलराइट. फ्री स्पेशल क्लासेस में क्या क्या फीचर है, यहाँ पे बच्चों आप इंटरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से चैट इमोजीज में, क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन पूछ सकते हो, पोल में यू कैन आंसर, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अमंग टॉप 10 देन योर नेम विल अपियर ऑन लीडर बोर्ड. ऑलराइट गाइस, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम, माई हेल्थ इज नॉट गुड. ओ सॉरी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आ शाम्भवी, सो इफ यू आस्क वन डाउट, आपको सरप्राइज बॉक्स मिल रहा है एवरी डे. डबल धमाका वीक, यू नो वीक ऑफर चल रहे हैं. एंड उसके साथ साथ अगर आप 10 डाउट पूछते तो आपको 15 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलता है. विनर्स वीक आपके लिए एक्सटेंड की गई है जस्ट ओनली फॉर यू. सो दोज हु हैवंट आस्क्ड इट यार, जाकर जल्दी से पूछ लो. 24/7 पूछ सकते हो फ्री में, है ना? कुछ चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है, जस्ट मेरा कोड अप्लाई करो एंड यूज इट. ऑलराइट. इंग्लिश हिंदी में वीडियो मिलेगा, जो भी पूछोगे एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन मिलने वाला है. लैक ऑफ क्वेश्चंस के यू कैन आस्क आंसर हियर, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन आस्क द डाउट, क्रॉप इट, हाईलाइट द पॉइंट, चूज द सब्जेक्ट एंड देन सेंड इट. ऑलराइट एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फटाफट क्विक रिवीजन के बाद स्टार्ट करनी है क्विज अपन लोगों को, ठीक है? थैंक यू शाम्भवी फॉर योर क्यूट क्यूट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना? तो फटाफट देखो भाई, ऐसा होने वाला है कि ये जो डाउट सेशन है, इसमें आप मुझसे डाउट पूछो चैट में, और मैं जो टॉपिक्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगी. नॉट गोइंग टू टेक सो मच टाइम, ठीक है? टाइम बहुत ही कम लूंगी मैं एक्सप्लेन करने में, क्योंकि एज इट्स डाउट सेशन सो आई एम गोना फोकस ऑन योर डाउट्स मोर रेदर देन यू नो एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म. बट मैं यहाँ पे सारे टर्म्स लेकर आई हूँ ताकि कोई भी टर्म में आपको डाउट हो तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ मैं वो एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? चलिए. नहीं अभी नहीं हुए हैं मंत्राना. हाय शौर्य, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? हाय सिद्धि, वेलकम. सो जल्दी से बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ क्या है? हमें हीट कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए कमेंट में. दे डू और नॉट, करते हैं या नहीं करते हैं? जब भी आप गर्मी में क्या करते हो, यू प्रेफर टू हैव यू नो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लाइट वेटेड क्लोथ्स, लाइक कॉटन पहनना आप बहुत प्रेफर करते हो इन हीट डेज, राइट? जब भी कोल्ड होता है यू प्रेफर टू वियर वुलन क्लोथ्स, पहनते हो कि नहीं पहनते हो? इज मैम इज राइट और नॉट? अगर मैम गलत हो तो बताना, ठीक है? मैम को भी बताना कि मैम यू आर रॉन्ग हियर, है ना? और एक बात बताओ, ठीक है, जब भी हम कपड़े पहनते हैं, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट द पार्टीज, जब आप पार्टीज में जाते हो सो क्या बोलते हो? यार मम्मा ये वाला कपड़ा पहनूंगा या ये वाला कपड़ा पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी, मैं डिसेंट लगूंगी, है ना? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या कभी कभी होता क्या है बेटा, जब भी आप कपड़े पहन के कहीं जाते हो तो somebody compliments you, या you are looking very decent and nice, या look you are looking very beautiful, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? सो बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स योर लुक ऑल्सो विल इनहेंस, है ना? लुक भी तो इनहेंस होता है हमारा, हम अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, डिसेंट दिखते हैं. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स. तो ये बेसिकली हमारे क्लोथ्स की इम्पॉर्टेंस है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट गाइस, कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछते चलना, ठीक है? फाइबर्स क्या होते हैं? अ मटेरियल जो कि अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटीन्यूअस स्ट्रैंड्स, उसे ही हम फाइबर बोलते हैं. दो टाइप के फाइबर्स हैं, एक नेचुरल जो बाय नेचर होते हैं एंड एक मैनमेड जिन्हें हम सिंथेटिक बोलते हैं या आर्टिफिशियल बोलते हैं. दीज आर मेड बाय केमिकल्स, ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर हो तो जल्दी जल्दी से येलो येलो हाथ सेंड करना, ठीक है? और भाई फ्रेंड्स को बुला लाओ, बिकॉज आई नो कि बच्चों को सिर्फ मेंटी मेंटी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट, दे डोंट वांट मोर देन मेंटी एंड एवरीथिंग एल्स. बट अभी तो हमें पढ़ना है ना, वी हैव टू, है ना? चलो. सो फाइबर्स आर थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स. मैं अंडरलाइन कर दूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कि आप हाईलाइट कर लेना। दो टाइप के फाइबर हैं, एक तो प्लांट एनिमल से होते हैं जिन्हें हम नेचुरल बोलते हैं, एक लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना, तो उसे हम मैनमेड बोलते हैं। इसमें मैन पावर यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो और स्पैम करो जल्दी से चैट में, नेचुरल और मैनमेड के एग्जाम्पल्स जल्दी से बताओ चैट में एवरीबॉडी। व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड? हाँ वेरी गुड, जोयल ने आंसर किया है। व्हाट अबाउट अदर्स यार, आप लोग नहीं हो क्या क्लास में? हाँ बिल्कुल करेक्ट बच्चा शीश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाय कृष्णा, गोल्डन ग्लो, वेलकम वेलकम बच्चा लोग, वेलकम वेलकम वेलकम। सो जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, ये आपके नेचुरल में आ जाते हैं। देन नायलॉन, आर्किलिक, टेरिलीन, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर, ये सब आ जाते हैं आपके सिंथेटिक में। अभी दो टाइप के नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट में बताओ। टू टाइप के नेचुरल फाइबर, प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल कौन बताएगा? हु विल टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल गाइज? वेरी गुड, प्लांट जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल जो कि एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, सिल्क, वूल, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर के। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? या इफ यू डोंट हैव हिट द लाइक बटन। देखो लाइक शेयर भी करते चलो अगर कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल तो। ठीक है, इफ यू डोंट हैव देन हिट द लाइक बटन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड क्या मेरे सारे बच्चों को इतना टॉपिक क्लियर हो गया है। और लाइक जितना ज्यादा से क्लियर होता जाएगा उतनी जल्दी हम मेंटी पे जाएंगे, है ना, उतनी जल्दी हम क्विज स्टार्ट करेंगे, हमारी स्टाइल की क्विज, नॉट मेंटी एक्चुअली। हाय संजय, हाय अभय, हेलो, यस बच्चा, वेलकम रेशमा, वेलकम अभय, वेलकम एवरीबॉडी, हेलो बच्चा बारी, वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम। सो एनिमल फाइबर्स फटाफट से स्क्रीन पर आ गया, देखो क्या होता है। हाय संजय, हेलो, लर्न विद अभय। कॉमन एनिमल फाइबर वूल, वूल कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर, अच्छा क्रिस्टल एंड डायमंड, क्लियर, क्राइमन, क्लियर। ओ हो शीश, मतलब तुसी तो छा गए, तुसी तो छा गए भाई, ये तो मतलब शॉर्ट फॉर्म बना के क्रिस्टल और डायमंड का, तुसी तो छा गए, तुसी तो छा गए भाई पूरे सेशन में। सो एनिमल फाइबर कॉमन कौन से हैं? वुल, सिल्क। वुल किससे ऑब्टेन होता है जल्दी जल्दी? वेरी वेरी गुड सुदीक्षा, वेरी गुड संजय, वेरी गुड। वुल वुल होता है शीप, गोट या कैमल से ऑब्टेन। सिल्क होता है सिल्क वर्म से ऑब्टेन, है ना। आई बात समझ में? कोई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बहुत सारे बच्चे बोले टीथ क्लियर, मतलब इतने सारे क्लियर आ जाएंगे कि पूछो ही मत, है ना, पूछो ही मत, इतने सारे क्लियर आ जाएंगे कि फिर मैम कंफ्यूज हो जाएंगी। अगर क्लियर है तो भाई लाइक बटन को 25+ करिए जल्दी से। हाँ अगर क्रिस्टल, क्राइमंड, डाइक्रिस्ट क्लियर हो चुका है, वाह वाह जोयल, तुसी भी छा गए, तुसी भी छा गए यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर। कुकोन बेटा, दैट इज इन द सिल्क वर्म जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क। ठीक है, ओके, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों को कि नहीं आई? आई है तो हिट भी करना लाइक बटन, ठीक है। और वुल के बारे में जान लेते, तो वुल ऑब्टेन किन से होते हैं? तो जो हेयर्स होती है ना, जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स बॉडी पर, वो ही होते हैं वुल। उनमें टू लेयर्स ऑफ हेयर होती हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं वुल को। आई बात समझ में? वूल को ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम द हेयर ऑफ द एनिमल्स। दे हैव टू लेयर्स ऑफ हेयर, एक होती है थिक कोट जिसे हम बोलते हैं बियर्ड हेयर, कोर्स बियर्ड हेयर, एंड द अदर वन इज फाइन सॉफ्ट हेयर विच इज क्लोज टू देयर स्किन, एंड दैट यू नो हेयर्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ एयर एंड हीट। इसी वजह से क्या होता है, दे यू नो ट्रैप अ लॉट ऑफ हीट, अ लॉट ऑफ एयर, जिसके कारण उन्हें वार्म रहता है थ्रू आउट द हार्श क्लाइमेट। ऑल राइट, हार्श कोल्ड क्लाइमेट में भी दे विल फील वेरी वार्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जल्दी से बताओ।
हाँ जी बिल्कुल करेक्ट राइट शीश, सबसे पहले चाइना में ही सिल्क डिस्कवर हुआ था। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस। तो ये बात तो समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल जिनमें वूल होता है सबसे पहला कौन है, नाम लेते जाओ। हीरो प्राचीरियंस। अच्छा हाय बच्चा, हु इज दिस, क्यों शांभवी, क्या हो गया? थैंक यू अनु, थैंक यू बच्चे। चलिए जल्दी से बताए। एनिमल दैट यील्ड वूल, सबसे पहले शिप, उसके बाद गोट, गोट के बाद कौन आते हैं, देन योर याक, याक के बाद कौन है, जल्दी जल्दी से नाम आना चाहिए। यस बिल्कुल करेक्ट शीश, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड शॉर्ट। देन वी हैव कैमल, कैमल के बाद वी हैव लामा एंड अल्पाका गोट। सो ये लामा है ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं अल्पाका, एंड देन वी हैव नथिंग। सो ये जो एनिमल्स हैं इनमें वूल होता है। तो फ्लीश एंड वूल बियरिंग एनिमल्स आर दीज टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे कि शिप, गोट, कैमल, याक। इनमें दो तरह की लेयर्स होती है, एक तो कोर्स हेयर, एक तो फाइन सॉफ्ट हेयर। ठीक है, अभी फाइन सॉफ्ट हेयर क्या होगा, इनके स्किन के पास होगा। तो व्हाट हैपेंस, जब फाइन सॉफ्ट हेयर जो होते हैं एनिमल्स में, उन्हें हम बोलते हैं फ्लीश। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट दिस मार्क, जल्दी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दीक्षा, हेलो बच्चा, वेलकम। हाँ जी, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव यू कैन आस्क इट टू मी, जल्दी से, है ना? अगर डाउट है तो फटाफट पूछ लो। कृषु आपको बोलेंगे ठीक है, मतलब इतना इतना ज्यादा बोल रहा हो कि मैम दे दो निकनेम, तो मैम ने आपको कृषु बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, सो फ्लीश किसे बोलते हैं बेटा, जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं ना एनिमल्स में, उन्हें हम फ्लीश बोलते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट? यस सिद्धि, आई डू रिमेम्बर यू, मेरे को याद है कि आप सिद्धि हो। यार मैं तो ऐसे ही सिदीक्षा बोल रही थी, मुझे अच्छा लगा कि चलो आज मेरा मन हुआ कि सिद्धि को एक नया नाम दिया जाए, तो मैंने सिदीक्षा बोल दिया। बट वरना मेरे को पूरा याद है कि आप सिद्धि हो, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हैप्पी नाउ कृषु, वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। ओके सो जिनमें भी फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, यानी कि फ्लीश होते हैं बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं वूल बियरिंग एनिमल। याद रहेगा ना बच्चों, डाउट तो नहीं है इसमें कि वूल बियरिंग एनिमल कौन से हैं जिनकी बॉडी में फ्लीश होगा। ठीक है, हाँ, शांभवी पूछिए 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 पूछिए। हाँ जी शिप्रा बिल्कुल होगा, पहले फ्रेंड्स को बुलाओ, लाइक शेक को 40+ करो, तब तो मेंटी शेंटी शुरू होगी ना। अभी तो पहले ये कर लो जल्दी से, एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं पहले। इतना क्लियर हुआ? ओके बच्चा शौर्य, बट आई कॉल यू शौर्य। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इतना बच्चों को समझ में आ गया। सो एनिमल वूल की अगर हम बात करें तो बेटा बहुत सारे ब्रीड्स पाए जाते हैं शिप के। हमारे इंडिया में शिप हमें मिल्क मीट दोनों देती है, वूल्स भी देती है ना, बट दे आर मेनली जो उनको रियरिंग की जाती है बिकॉज ऑफ वूल ही की जाती है। ठीक है, जो अंगूरा वूल होता है वो अंगूरा गोट से पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, जिनकी हम कौन सी शॉल बनाते हैं याद करो, जो शॉल वॉल पहनते हैं ना हम, वो इसी अंगूरा वूल की पहनते हैं। ठीक है, और अंगूरा गोट हमें पाई जाती है हिली रीजन्स में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जो पश्मीना वूल्स होती हैं वो हम पाए जाता है पश्मीना गोट से, जिसमें आपने आपने पश्मीना शॉल का नाम सुना है, जल्दी बताओ पश्मीना शॉल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द पश्मीना शॉल? हाँ, बिल्कुल 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 शांभवी, रैबिट्स ऑल्सो हैव फाइबर्स इन देम, बिल्कुल करेक्ट। रैबिट से भी हम वूल ऑब्टेन करते हैं बच्चा, रैबिट से भी हम वूल ऑब्टेन करते हैं, सुना है ना? हाँ जी सिद्धि, तो वही पश्मीना शॉल पश्मीना वूल से बनाई जाती है। ठीक है, याक वूल मिलता है तिब्बत और लद्दाख में, अल्पाका और लामा गोट जो होते हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बताइए जल्दी, अल्पाका लामा गोट कहाँ पाए जाते हैं, कम ऑन हु विल टेल मी? अल्पाका एंड लामा गोट दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ठीक है, आई बात समझ में? और हम कैमल के हेयर को भी यूज करते हैं एज अ वूल। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट?
यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? डू यू गाइस हैव एनी डाउट? इफ यू हैव सो यू कैन आस्क इट टू मी। हां जी बिल्कुल करेक्ट और क्लियर है एकदम, डायमंड क्रिस क्रिस डाइम क्लियर, या जो भी आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं क्लियर हो गया। तो एक बारी येलो हार्ट सेंड करो, लाइक को जरा इंक्रीज करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। सो बेसिकली इन 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 स्टेट्स में, हमारे इंडिया में शिप को रियर किया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आपका हरियाणा हो जाता है, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सो बेसिकली ये आपके कंट्रीज के पार्ट्स हैं जहां पर हम रियरिंग करते हैं शिप की। शिप एक हर्बीवोरस एनिमल है। शिप कौन से एनिमल्स हैं जल्दी बताइए। नो डाउट, क्लियर लाइक वॉटर। अच्छा, शिप कौन से एनिमल्स हैं? शिप आर हर्बीवोरस एनिमल। सो दे ओनली ईट यू नो पल्सेस, कॉर्न, ज्वर और ऑयल केक्स और मिनरल्स, दे डोंट ईट एनीथिंग एल्स। और विंटर में शिप्स को हम इंडोर में ही रखते हैं और जो लीव्स और ग्रेन्स होते हैं वही चीजें खिलाते हैं। जो ब्रिट की शिप्स, यू नो सम ब्रीड्स ऑफ शिप जिनमें थिक हेयर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुड क्वालिटी ऑफ वूल, ठीक है? और उन्हें ही हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट गाइस? जल्दी बताओ। अभी डाउट है मैम, इस पार्ट में बहुत सारी चीजें बता दी, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से अभी पूछ लो, ठीक है? आई विल गिव यू 1 मिनट। मैम ने आपको कंट्री के पार्ट्स बताए जहां पे होते हैं शिप को रियर किया जाता है, देन शिप हर्बीवोरस है, देन विंटर्स में इंडोर में रहता है और ग्रेन्स और लीव्स खाता है, एंड देन जो ब्रीड्स होती हैं शिप की जिनमें अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ हेयर्स होते हैं उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। इतना मैम ने बताया। कोई डाउट किसी को नहीं है? जल्दी बता, है कि नहीं है? है कि नहीं है? दसो मैनू, है कि नहीं है डाउट किसी को? हाँ जी बताइए। डू यू गाइज हैव एनी डाउट? नो या? हाय फरीहा, यू गॉट 145th रैंक इन कॉम्बैट। ओके कूल। नो 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 शांभवी, नो नो नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल में बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, सो स्टेप्स को फटाफट से देख लो। कोई दिक्कत है इन स्टेप्स में जल्दी बताओ, नहीं है तो लाइक चेक भी हिट करो। द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल, उनमें ये सारे स्टेप्स हैं। शियरिंग जिसमें रिमूवल किया जाता है ना, देन स्कॉरिंग जिसमें वॉश किया जाता है उनके हेयर्स को इन टैंक, शॉर्टिंग जिसमें सेपरेशन किया जाता है डिफरेंट टेक्सचर को, बर सेपरेशन जो स्मॉल से प्लफी फाइबर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, देन डाई करते हैं इनटू डिफरेंट कलर्स, राइट? उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद स्पिन करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं ताकि हम उसका फैब्रिक बना सके। सो इसमें कोई दिक्कत है इन सारे स्टेप्स में? जल्दी बताओ। डू यू गाइज हैव एनी डिफिकल्टी इन दीज स्टेप्स, इन दीज प्रोसेसेस? हाय तनुजा, हेलो, वेलकम। Do you guys have any doubt? If you have, you can let me know. All right. If you can have, you can let me know everybody. चलिए आगे बढ़ते हैं। So ये सारे के सारे process हैं। एक बार आप इनको जरूर check करना। इसमें मैंने आपको सारे separation के process बताए हुए हैं, ठीक है? Wools की जो cutting की जाती है, यानी कि जो shearing की जाती है, वो इस तरह की shearing machine होती है wools की, जिसमें cutter comb होता है, जिससे उनकी बॉडी से जो भी उनके फ्लीश है उनको रिमूव किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट गाइस? जल्दी से बताओ।
इतना समझ में आया? कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? हाय बालवीर ऑफिशियल, अरे बालवीर हाय बच्चे, हाय तनुजा, है ना, जल्दी से कम ऑन, इसमें कोई डाउट नहीं है तो मेरे को फटाफट बताना कि मैम नहीं है डाउट, आगे बढ़ जाइए। अब तो शांभवी गई, फोन शांभवी ने अपना तोड़ दिया गलती से, मतलब, बट स्टिल यार फोन तो टूट गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यार्न टाइप्स देख लो, बेसिकली दो तरीके के यार्न्स होते हैं बच्चों, एक तो लंबे और एक छोटे, लॉन्ग यार्न्स एंड शॉर्टर यार्न्स। जो लॉन्ग यार्न्स होते हैं वो थ्रेड्स होते हैं, आर यूजुअली नीडेड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप और सॉक्स। सो बेसिकली जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, जो मफलर्स पहनते हैं, कैप या सॉक्स पहनते हैं, वो लंबे यार्न से बनते हैं। शॉर्टर यार्न्स जो होते हैं उनको वूव किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट हियर बच्चों? लॉन्ग एंड शॉर्ट का क्या यूज है? शॉर्टर यार्न्स को हम वूव करते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो लंबे लंबे यार्न्स होते हैं उनसे हम स्वेटर्स, मफलर, कैप और सॉक्स बनाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? डू यू हैव एनी डाउट? नो, लेट्स गो फॉर इट। So, ये आपके वूल्स एंड यार्न्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वूल वार्म क्लोथ्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट और कार्पेट्स और अपहोलस्ट्री बनाने के लिए भी यूज की जाती है। तो जो आपकी अपहोलस्ट्रीज होती हैं, कार्पेट्स होते हैं, वो भी आपके वूल्स यूज किए जाते हैं उसमें। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? हां जी बिल्कुल करेक्ट सिद्दीक्षा, यानी कि माई सिद्धू। तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बच्चों? यू हैव एनी डाउट तो यू कैन लेट मी नो, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है कुकोन से, सिल्क वर्म्स के। सिल्क वर्म कहाँ रहते हैं? दे फेड ऑन मलबरी ट्रीज, तो मलबरी प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन्हें खा के ये क्या करते हैं, ये अपना दे लिव ऑन ईटिंग लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। देन टाइप्स ऑफ सिल्क डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं, जैसे तसर, मूंगा, कोसा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिल्क है दैट इज मलबरी सिल्क। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ। हाय महिमा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को क्या बोला जाता है, जल्दी से कौन बताएगा? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड डैश। क्या बोला जाता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को? यस मैम, वन आंसर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड डैश। हाय प्रत्यूषा, वेलकम बच्चे। उसे हम बोलते हैं बच्चों सेरीकल्चर, जो कि सिर्फ अभी तक मुझे शीस ने बताया है। वेरी गुड शीस, दैट इज सेड टू बी सेरीकल्चर, ठीक है? चलिए हिस्ट्री देख लीजिए सिल्क वॉर्म की। तो किसी को हिस्ट्री पता है क्या सिल्क वॉर्म के बारे में? इज देयर एनीबडी हु नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म? तो व्हाट हैपेंड बच्चों? सो बेसिकली चाइना में अराउंड 3500 BC के अराउंड चाइना में सिल्क बहुत ही ज्यादा प्राइज्ड पोसेशन था, बिकॉज बहुत ज्यादा चमक होती है सिल्क में, बहुत ही फाइन क्वालिटी होती है सिल्क की, तो जितने भी प्राइज्ड पोसेशन के लोग होते थे, जितने एम्परर्स होते थे, वो सिल्क पहनते थे, है ना, एम्परर्स इसे यूज करते थे। देन ऑफकोर्स व्हाट हैपेंड उसके बाद, जो सिल्क थी उसकी ट्रेडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शुरू कर दी गई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्क जो है स्टेपल आइटम था ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। ड्यू टू दिस जो एंशियंट ट्रेड थी वो उसकी रूट लिंक्ड हुई चाइना से अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उसी को हम बोलते हैं सिल्क रूट। यानी कि इसकी ट्रेडिंग के लिए जो रूट हुई लिंक चाइना से अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसी को सिल्क रूट बोलते हैं। आई बात समझ में? जल्दी से बताओ। मैं हूँ सुप्रीता, ठीक है? हाय सुप्रीता, अभी स्कूल से आए हो? ओ प्लीज टेक रेस्ट बच्चे। तो ये बात समझ में आई, सिल्क ट्रेडिंग की हिस्ट्री जो थी समझ में आया है ना? और हिस्टोरिकन्स के अकॉर्डिंग सिल्क जो है इंडिया में भी प्रोड्यूस हुआ था। उसका प्रूफ देखो क्या है हमारे पास, उसका प्रूफ ये है कि जो सिल्क का यूज हुआ था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर पाया गया था। तो दिस इज द प्रूफ वी आर हैविंग कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमने भी सिल्क यूज की थी। तो सबसे पहला
कंट्री चाइना माना जाता है, दूसरा इंडिया माना जाता है इन दी डिस्कवरी ऑफ यू नो सिल्क। आई बात समझ में? हाय चाचू, प्रिटी क्लियर एवरीबॉडी। हाय बच्चा, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, यस बिल्कुल करेक्ट। शीश, आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म अगर देखते हैं तो फोर स्टेजेस होते हैं। पहले एग से दे विल कन्वर्ट इनटू लार्वा, लार्वा से दे विल कन्वर्ट इनटू प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो जो हमारी सिल्क मोथ होती है वो एगले करती है, 14 दिन के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर फिर प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स जिन्हें हम प्रोटीन बोलते हैं, है ना, और उसे अपने आस पास वीव कर लेते हैं जिसे हम कुकोन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर जब कुकोन हम फेच करते हैं उस सिल्क वोम से, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट सिल्क वोम में। आई बात समझ में सबको? ओहो, तूफान आ गया शांभवी, क्या आज तो शांभवी आपके यहाँ तूफानी तूफान आ रहे, कभी आपने फोन तोड़ दिया, कभी आपने कुछ कर दिया, कभी आपने कुछ कर दिया, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं आज शांभवी की जिंदगी में लग रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है लाइफ साइकिल हमारे मलबरी ट्री है ये, ठीक है। सो सिल्क की भी प्रोसेसिंग होती है बच्चों, रियरिंग, रीलिंग, डाइंग और स्पिनिंग, वीविंग, सब कुछ होती है सिल्क वर्म्स में भी, है ना। रियर किया जाता है इन्हें सुटेबल टेम्परेचर में, और फिर कुकोन्स को निकालने के लिए दे यूज टू गेट वार्म वाटर में डाला जाता है ताकि उनसे हम यू नो कुकोन्स ऑब्टेन कर सके, ठीक है। आई बात समझ में? डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग भी होती है, डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑब्टेन करने के लिए, उसको स्पन वीव किया जाता है थ्रेड्स में ताकि हम उससे अपना फाइबर ऑब्टेन करें, ठीक है। आई बात समझ में सबको? डू यू गाइज हैव एनी डाउट टिल नाउ? जल्दी बताना कोई डाउट हो तो। हां जी शीशवा, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई? सिल्क एक बहुत ही कॉस्टली फैब्रिक है, यूज किया जाता है फॉर वीविंग क्लोथ, स्पेशली ट्रेडिशनल क्लोथ जो भी होते हैं, कुर्ता, सलवार, साड़ी, सूट, है ना, और भी वेडिंग ड्रेसेस जो होती हैं उनमें। सिल्क हमेशा से एक प्राइज्ड प्रोसेशन रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लश्चर और फाइन क्वालिटी होती है सिल्क की, इसलिए सबसे पहली कंट्री जिसने सिल्क प्रोड्यूस किया है वो है चाइना एंड देन इन इंडिया। ऑलराइट, आई बात समझ में? हां जी शीश, हेलो चेष्टा, यस गाइस, तो इतनी बात समझ में आ गई? हैव यू कंप्लीटेड द लाइक आल्सो? जल्दी बताओ। कॉमन प्लांट फाइबर्स जो है वो कॉटन, जूट है, जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, कॉटन आपका ब्लैक क्ले सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है, उसको वार्म क्लाइमेट्स की जरूरत होती है, और ये अर्ली स्प्रिंग स्टेज में आपका यू नो कॉटन को ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट्स हमेशा बुशी से होते हैं, 1-2 मीटर लंबे, एंड इनकी जो फ्लावरिंग स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है 60 डेज में, व्हाइटिश येलो फ्लावर्स देते हैं ये, एंड जब ये रेडिश कलर में टर्न हो जाते हैं इन फ्यू डेज, तभी आप इनको क्या बोलते हो, तभी आप इनको ऑब्टेन करते हो कॉटन फ्रॉम इट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय धनिता, हेलो बच्चा, आप लेट हो गए आज तो, है ना। गिनिंग एंड स्पिनिंग, दीज आर द टू प्रोसेसेस जो कॉटन में इन्वॉल्व होते हैं। गिनिंग इज सेड टू बी कॉम्बिंग, है ना, कॉम्बिंग को ही हम गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद स्पिन किया जाता है यार्न फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इट्स ओके धनिता, कोई बात नहीं बच्चे, लेट हो गए तो इट्स ओके, डोंट हैव टू बी सॉरी अबाउट इट। तो दिस मच इज प्रीटी क्लियर। स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न, रॉ कॉटन को लूज क्लीन किया जाता है ताकि जितने ड्राई लीव या स्ट्रॉ है सब निकल जाएं, फिर उसको मशीन में फेड किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, एंड देन उसे स्पिनिंग करके मशीन से यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ओह टुडे दिस सेम चैप्टर आपने पढ़ा, वेरी गुड। हाय सुमित, नहीं प्राची आज में कोई स्पेशल क्लास नहीं है बच्चा। उसके बाद वीविंग नीटिंग आप देख ही सकते हो, हैंड और मशीन से की जाती है। वीविंग का मतलब होता है जब आप
टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हो टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, उसे हम कहते हैं वीविंग, ठीक है। और नीटिंग आप हैंड और मशीन से भी करते हो, जस्ट लाइक टू यार्न्स यूज्ड होते हैं नीटिंग में, है ना। तो और जब दो से ज्यादा यूज हो तो उसे हम वीविंग बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए, इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ कल्टीवेट होता है बताओ, इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ पर कल्टीवेट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लाइक तो हिट किया नहीं, कह रहे हो मैम मिंटी करो, पहले लाइक बटन तो हिट करो यार, मेक इट मोर एंड मोर, 40+ टारगेट रहता है हमारा। कॉटन कहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, हाय निकेश, तो कॉटन किया जाता है बेटा महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तो दीज आर द स्टेट जहाँ पे बेसिकली आपके कॉटन कल्टीवेट होते हैं, है ना। और कॉटन का यूज किया जाता है मोस्टली वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए, है ना, जितने भी वुलन क्लोथ्स होते हैं दीज आर मेड ऑफ, सॉरी वुलन बोल रही हूँ, जितने भी हमारे फाइन और लाइट वेटेड चीजें होती वो आपकी कॉटन से बनाई जाती है, ठीक है। जूट की बात करें तो स्टेम से कल्टिवेट होता है जूट, है ना, रेनी सीजन में, और पेल येलो कलर का होता है, 2 to 3 meter लॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, सिल्की सा टेक्सचर होता है, मेनली अलुवियल सॉइल में ग्रो करेगा जो कि डेल्टा रीजन्स में पाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के। और बेसिकली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो स्टेट्स होते हैं जिनमें जूट उगते हैं उन्हें, वो कौन कौन से स्टेट हैं, द स्टेट्स इन विच जूट आर कल्टिवेटेड मेनली ग्रोन, वो कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। यस, कॉटन इज वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, यस दिस यू आर करेक्ट, कॉटन इज वेरी, scouring is a process where you wash your, you know, woolen fibers, you wash them in big big tanks, जो भी hairs होते हैं, fleece होते हैं, उन्हें आप बड़े से tanks में wash करते हो ताकि dust और you know dirt निकल जाए उनसे, that is said to be scouring, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं, West Bengal, Bihar and Assam, ठीक है। चलिए हम फ्लावरिंग स्टेज पे जूट को कट करते हैं बच्चों, गुड क्वालिटी फाइबर जो होता है जो हम जूट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसे हम फ्लावरिंग स्टेज पर करते हैं, ठीक है। चलिए सिंथेटिक फाइबर जल्दी से देख लो, दिस इज द लास्ट वन, इसके बाद वील स्टार्ट अवर क्विज। सो क्या है सिंथेटिक फाइबर, इज अ वेरी क्वाइट स्ट्रॉन्ग रिंकल रेजिस्टेंस क्विक ड्राइंग फाइबर जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि ये बेसिकली बनाया जाता है केमिकल से, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से, है ना, तो काफी अलग अलग चीजें आप इससे बना सकते हो, बट यू नो वॉट, आप सिंथेटिक फाइबर्स को यू नो किचन में नहीं यूज कर सकते बिकॉज दे इजिली कैच द फायर, तो इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर यूजली कपड़े नहीं पहनते किचन में, है ना। सो क्लॉथ्स, नेक टाई, सेल, स्वेटर, सॉल्स, ये सब भी बनते हैं बेटा हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर से, बोर्ड्स, स्केटिंग बोर्ड्स, ये सब बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर का। सो दिस मच इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, कोई डाउट है क्या किसी को, जल्दी बताओ। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो किसी को इसमें कोई डाउट है अभी भी हो तो मेरे को पूछ लो, जल्दी से बताओ। Do you guys have any doubt? If you don't have, जल्दी जल्दी से मेरे को बता दो। मैम कर्नाटका में कॉटन कल्टिवेट, हाँ जी बच्चे कॉटन जो आपके कल्टिवेट होते हैं, मैम ने आपको भी बेसिकली स्टेट्स बताए कि नहीं बताए, बताओ जल्दी, मैम ने अभी बताए कि नहीं बताए, बताए ना कॉटन का भी सब कुछ, तो सुना था कि नहीं सुना था, सुना करो अच्छे से। जो भी कॉटन का कल्टीवेशन होता है ना बेटा वो काफी जगहों पर होता है, पहले तो ये समझ लो कि काफी काफी जगहों पर आपका कॉटन कल्टीवेट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट यू नो हमारे स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र में होगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ सब में आपका कॉटन कल्टीवेट होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, प्रोटीन, नॉट सिल्क वर्म, प्रोटीन से बनता है, किसी ने बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया, नोबडी आज नोबडी सेड प्रोटीन, सिल्क वर्म आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं, तो इसमें तो किसी का आंसर नहीं आया मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क वर्म्स आर द डैश ऑफ सिल्क मोथ,
सिल्क वर्म्स आर द रैश ऑफ सिल्क मोथ। अभी सीस और सिद्धि ने आंसर देना शुरू किया। सिल्क वर्म आर द डैश ऑफ सिल्क मोथ। जल्दी से बताओ सिल्क वर्म क्या होती है सिल्क मोथ की, जल्दी जल्दी। कम ऑन मैम इज वेटिंग फॉर द आंसर्स यार, जल्दी बताओ। सिल्क वर्म्स आर द डैश ऑफ सिल्क मोथ। तो बेसिकली द राइट आंसर कैटरपिलर, जिन्हें हम बोलते हैं कि कोकोन में कन्वर्ट होंगी, है ना। सो आई कैन टेक दिस वाला जो आप लोग आंसर कर रहे हैं कोकोन। सो सबसे पहले धनीता ने आंसर किया है, धनीता, देन सिद्धि एंड देन अनी। ये तीन बच्चों का आंसर आया फास्टेस्ट वन। सो द हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, जल्दी से बताओ। हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, यू ऑल हैव टू टेल मी, हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, हेयर ऑफ शिप क्या बोला जाता है? वेरी इजी वन, हेयर ऑफ शिप वूल बोल रहा है बच्चे, फ्लीश होता है, वूल होता है, फ्लीश होता है। क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो। धनुष ने सिर्फ आंसर दिया था इसका सही, बाकी सब ने गलत, बाकी सब ने गलत। इट्स फ्लीश नॉट वूल। नेक्स्ट वन, सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर बताना है। सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर, जल्दी से बताओ। सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर क्या होगा? सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर, सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर। सो नरेश ने सही आंसर दिया है, नरेश मतलब मंत्राना, एंड देन जाइना, एंड देन कृष्णा, देन कृष्णा। सो करेक्ट आंसर विल बी वूल, वेरी गुड। फॉर रीलिंग ऑफ कुकोन, फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कुकोन आर बॉइल्ड, जल्दी बताओ। फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कुकोन आर बॉइल्ड, दैट इज ट्रू और फॉल्स, कम ऑन टेल मी। For reeling of silk, cocoons are boiled or not? True or not? Zaina ने दिया है answer, very good. Zaina के बाद मंत्राना ने answer दिया है, मंत्राना के बाद सिद्धि का answer आया, that is absolutely true guys. Next and the last question, जल्दी से बताओ। Here traps a lot of dash, which is a poor conductor. एक आंसर तो मैम ने ही दे दिया, नेक्स्ट बता दो आप। अच्छा एक तो मैम ने दे दिया, कोई बात नहीं, एक आप बता दो क्या होगा फटाफट। सो आंसर होगा एयर एंड कंडक्टर, बिल्कुल करेक्ट जाइना, जाइना ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड जाइना। एंड लेट्स गो फॉर सर्टिफिकेट राउंड, तो मैं जल्दी जल्दी से सर्टिफिकेट दे दूं। जाइना, सिद्धि, मंत्राना एंड हू एल्स, और कौन बचा था, और किसने किया था, और कौन कौन आंसर दे रहा था भाई, जल्दी जल्दी अपने नाम बताइए। शीश ने आंसर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीज स्टूडेंट फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट इन द क्विज। सो अभी कुछ दिन ना मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ, ऐसे ही टेस्ट लूंगी, ऐसे ही देखूंगी कितना आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। आई विल सी हाउ यू नो यू आर परफॉर्मिंग। Then yes, धनिता, धनिता also was there. और कौन था, अर्चिता भी थी, ओके अर्चिता for performing excellent। ज्यादा बच्चों ने आंसर किया ही नहीं आज, आज तो ज्यादा बच्चों ने आंसर किया ही नहीं बच्चों। All right, धनुष भी थे, yes धनुष, धनुष was also there और कृष्ण was also there, so कृष्णा and धनुष for performing excellent। Yes, good. प्रिया आपने आंसर नहीं दिया था बच्चे, मुझे याद है। All right, okay. So comeback is there everyone. अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, so please go ahead and do this. Praj Sports से आप enroll कर सकते हैं comeback में. This is going to happen every Sunday. हर Sunday को होगा 12 बजे sharp. तो भूलो मत, इनरोल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 crore की स्कॉलरशिप का मौका मिल रहा है, विद 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 1-3 रैंक विल गेट 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 4-10 विल गेट 75% सब्सक्रिप्शन, 11-50 विल गेट 50% और 51-150 विल गेट 25% स्कॉलरशिप। तो और क्या चाहिए भाई, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा। तो व्हाई यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाओ, अब तो वेब पर भी दे सकते हो ना,
तो जल्दी से जाओ एंड गिव इट अ शॉट, राइट? एंड यू विल बी हैविंग एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स जिसमें आपको हाफ ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. सो मेरा कोड यूज करो प्राच एंड जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन एवरीवन. ठीक है, दीज आर द बैचेस. अभी न्यू बैचेस हैं आपके पास जिनको आपको एनरोल करना है. अपकमिंग बैचेस है फॉर 6th, 7th, and 8th क्लास. टर्म 2 की प्रिपरेशन हो रही है एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में. सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो. अच्छा, कल आपकी कोई YT क्लास नहीं होगी, मैं पहले बता दूं, है ना? सो ट्राई ऑल द फीचर्स फॉर फ्री. मेरा कोड यूज करके डाउनलोड कर लेना अनअकैडमी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले एंड एप स्टोर. सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो गाइस. टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स क्रैक इट. बाय.